नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट नितेश आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्थ बैट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे 23 फुट बाय 50 फुट के हाउस डिज़ाइन को, जिसके ग्राउंड पर हमने 2 बेडरूम दिए हैं अलॉन्ग विद 1 अटैच टॉयलेट, जिसमें आपको एक लॉबी एरिया भी मिल जाता है, एक किचन मिलता है और एक ड्राइंग एरिया। और अगर फर्स्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं अलॉन्ग विद 1 अटैच टॉयलेट, 1 कॉमन टॉयलेट, 1 लॉबी एंड किचन। और ये इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, आप चाहें तो इसे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, जिससे इसके एरिया के बारे में, इसके प्राइस के बारे में एक अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा। प्लान के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इसका लेआउट प्लान फ्रीली देख सकते हैं। और अगर इसके वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए तो उसके लिए पे एंड डाउनलोड सर्विस भी अवेलेबल है। ये इसका 3D कट सेक्शन व्यू है। दोस्तों जान लग जाती है इस वीडियो बनाने में, सो अगर आप लाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए इसके मेन गेट की तरफ चलते हैं, जहां हमें मिलेगी सबसे पहले स्टेयरकेस लॉबी, जो कि है 10 फुट 7.5 बाय 17 फुट की। ये सीलिंग में आप जो वुडन पोर्शन देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड HPL। काफ़ी क्वेरीज आती हैं इसकी व्हाट्सएप पर भी कि क्या मटेरियल हमने यूज़ किया है, सो टेक्निकल नेम है इसका HPL, हाई प्रेशर लेमिनेट। इसका फ्रंट यार्ड आपको मिल जाता है 4 फीट बाय 4.5 इंचेस का। अंदर जाने के लिए इसके 2 डोर हैं, एक है मेन और एक है गेस्ट। सो फिलहाल हम गेस्ट से चलेंगे एज अ गेस्ट, देन चलेंगे मेन से एज अ ओनर। ये है इसका ड्रॉइंग एरिया, जो कि है 10 फुट 6 इंच बाय 13 फुट का, जिसके बैकड्रॉप पर हमने वुडन पैनल का यूज़ किया है अलॉन्ग विद मेटल शेल्फ्स। टीवी यूनिट एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमने नहीं दी। सो अब चलते हैं यहाँ से बाहर और आते हैं मेन डोर से एज अ ऑनर। सो यहाँ से एंट्री करते आपको मिलता है लॉबी एरिया, जो कि है 14 फुट 7.5 बाय 11 फुट का, जिसके फॉल सीलिंग में हमने वुडन एंड POP का यूज़ किया है। और लॉबी के सामने आपको मिल जाती है एक बड़ी सी क्रॉकरी यूनिट, और यहाँ ड्राइंग के साथ आपको 2 फीट वाइड पूजा एरिया भी मिल जाता है। डाइनिंग के साथ ही हमने कनेक्ट किया है इसके किचन एरिया को, जो कि है 6 फुट 6 इंच बाय 10 फुट का। और इसके काउंटर टॉप पर आप जो देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड G5 मटेरियल। और ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं ये एक्रेलिक्स हैं। और अब चलते हैं इसके बेडरूम नंबर 1 की तरफ, जो कि है 10 फुट 6 इंच बाय 14 फीट का, जिसके बैकड्रॉप पर हमने वॉलपेपर यूज़ किया है। इसकी सीलिंग देखेंगे तो सीलिंग के साथ ही ये थोड़ी सी वॉल के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। बेडरूम के अंदर ही आपको इसकी वार्डरोब मिल जाती है। पैनल्स जो हैं हमने वो फुल हाइट स्लाइडिंग दिए हुए हैं। और इसी के साथ इस बेडरूम को मिलता है अटैच टॉयलेट, जो कि है 6 फुट बाय 6 फुट का। और इसकी वेंटिलेशन जो है वो कटआउट से हो रही है। अभी हम दूसरे बेडरूम में जाएंगे तो वहां पर आपको मैं दिखा दूंगा।
ये है इसका कॉमन टॉयलेट जो कि है 7 फुट बाय 5 फुट का। और इस टॉयलेट की जो वेंटिलेशन है ये डक्ट से हो रही है, 8 फीट हाइट पर इसकी डक्ट आ जाएगी। और इसके साथ आता है इसका बेडरूम नंबर 2, 10 फुट 7.5 बाय 14 फुट का। ये सामने जो आप देख पा रहे हो कॉर्नर में, दिस इज अ वॉल शेल्फ। इस बेडरूम में आपको एक टीवी यूनिट भी मिल जाता है जो कि 5 फुट 6 इंच का है। और इसके साथ इसकी जो वेंटिलेशन है वो स्लाइडिंग डोर के थ्रू हो रही है। तो ये है इसका कटआउट एरिया जिसको हम एज अ यूटिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज ओपन टू स्काई एरिया जिसको हमने ऊपर से कवर कर दिया है फॉर रेनफॉल प्रोटेक्शन। जब हम ऊपर टेरेस पे जाएंगे तो आपको मैं वहाँ दिखा दूंगा। और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और देखते हैं ऊपर की डिज़ाइनिंग। और ये है इसकी बड़ी सी बालकनी जो कि है 6 फुट 6 इंच की, जिसको आप कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, कुछ वाटर फाउंटेन्स लगाकर, प्लांट्स लगाकर। ये अगेन सीलिंग में आप जो देख पा रहे हो दिस इज HPL। और सामने वाली वॉल पर इसके AC के यूनिट आ जाएंगे। और अब चलते हैं इसके बेडरूम नंबर 3 की तरफ जो कि है 10 फुट 6 इंच बाय 13 फुट का। आप समझ लीजिए ये एज अ गेस्ट बेडरूम है। लो हाइट वार्डरोब मिल जाती है जिसके साथ आ जाता है स्टडी स्पेस। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, इसमें एक्चुअली दूसरी लाइट का इफेक्ट आ नहीं पाया, सो वी ट्राई कि नेक्स्ट टाइम इस चीज को हम इम्प्रूव कर पाए। तो अब चलते हैं इसके दूसरे पोर्शन की तरफ जो कि 2 बेडरूम सेट है। ये है इसका लॉबी एरिया है जो कि है 14 फुट 7.5 बाय 11 फुट का, जिसमें आपको एक बड़ी सी टीवी यूनिट मिल जाती है। इसी लॉबी एरिया के सामने आपको मिलता है इसका किचन एरिया जो कि अगेन नीचे जो साइज है उसी को ऊपर रिपीट किया हुआ है। काउंटर टॉप पर हमने ग्रेनाइट का यूज किया है और बाकी अगेन वो एक्रेलिक ही यूज किया हुआ है। आप चाहे तो लैमिनेट लगा सकते हैं टू रिड्यूस प्राइस। ये कैबिनेट के ऊपर आप जो बॉक्स देख पा रहे हैं ये आउटलेट है चिमनी का। तो अब चलते हैं इसके बेडरूम नंबर 4 की तरफ जो कि है 10 फुट 6 बाय 14 फुट का। जिसकी फॉल सीलिंग अगेन हमने वॉल पर रिफ्लेक्ट की हुई है। और ये है इसका अटैच टॉयलेट जो कि अगेन 6 फुट बाय 6 फुट का। इसकी वेंटिलेशन भी कटआउट से हो रही है। और अब चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ, बट उससे पहले ये देखते हैं कॉमन टॉयलेट जो कि है 7 फुट बाय 5 फुट का। टाइल्स के कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। और ये है बेडरूम नंबर 5 जो कि है 10 फुट 7.5 बाय 14 फुट का। अगेन इसके बैकड्रॉप पर वॉलपेपर का यूज किया हुआ है। लो हाइट स्लाइडिंग वार्डरोब है। और इस बेडरूम को भी अपनी एक टीवी यूनिट मिल जाती है। सो अब चलते हैं इसके टेरेस की तरफ और देखते हैं ऊपर की डिजाइनिंग।
तो ये है इसका टेरेस। ये सीलिंग में जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेटल परगोला। ये सामने जो रूम है, दिस इज स्टोर, और इसके साथ जो एरिया है ये वो कटआउट एरिया को कवर करने के लिए हमने फाइबर लगाया है ऊपर, सो दैट रेनफॉल जो है वो उससे प्रोटेक्ट रहे बट लाइट प्रॉपरली आ पाए। सो अगेन माई फेवरेट बर्ड हाउस, और ये वो ममटी एंड स्टोर के बीच का जो एरिया है विच इज़ अराउंड 10 feet, इसको हमने वाटर फाउंटेन के लिए डेडिकेट किया है। जो वाटर टैंक्स हैं वो आपको स्टोर के ऊपर मिल जाएंगी, बिकॉज इसके इस तरफ नीचे टॉयलेट्स हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। प्लान के लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।